बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका 19 तारीख को पेपर होने वाला है, तो जैसा बेसलाइन आकलन 2022-23 के लिए ये क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया गया है, और आपको 19 तारीख को जैसा पता है आपको ये हिंदी का पेपर देना होगा, तो वह हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर आपको खंड आ पूछा जाएगा, है ना। जितने भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके का आपका आने वाला है, जो 19 तारीख को होगा, जिसमें आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा, और विषय आपका हिंदी, वैसा हिंदी, और पूर्णांक आपको यहाँ पर 50 अंकों देखने का मिलेगा। तो ये आपका सेट ए है, ऐसे ही सेट बी और जो भी सेट्स आएंगे उनका आपको क्या सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो ये आप देखिए खंड आ है और खंड बा। खंड आ में आपसे कक्षा 7 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और तो ये यहाँ पर आप खंड आ देख पा रहे हैं, और खंड बा में आपसे कक्षा 5 से रिलेटेड और खंड सा में कक्षा 3 से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो इनके आंसर्स भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कब बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखोगे तब आपको मिलने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर आपको बता देते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है। जेल में रहकर लोकमान्य तिलक ने ग्रंथ की रचना की, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना होगा गीता भाष्य, ये उन्होंने रचना की थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जिसका कोई सहारा ना हो उसे कहते हैं, तो जिसका कोई सहारा ना हो उसे हम बोलते हैं बेसहारा। ओके, इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। संपूर्ण सॉल्यूशन देखने के लिए वीडियो को पूरा देखें। 19 तारीख के जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपको, देखिए जो यहाँ से ही डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न 3, सार शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से शब्द बनेगा, तो ये सार क्या है, आपका एक शब्द है, इसमें हम अनु उपसर्ग लगाएंगे। तो उपसर्ग क्या होते हैं, आगे लगाते हैं, तो अनु प्लस सार, तो ये क्या बनेगा, अनुसार। तो ये यहाँ पर आपका सही आंसर होगा अनुसार। ओके, चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, प्रति शब्द को हिंदी में कहते हैं, तो प्रति शब्द को हिंदी में पृथ्वी कहते हैं, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 5 देखते हैं, एवरेज का उत्तर, ये आपको अंक 3 में पूछा जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यह उत्तर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 5 क्या है, वर्षा ऋतु में आप अपने चारों ओर किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं, तो पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली रहती है, खेती का कार्य शुरू हो जाता है, और चारों ओर पानी ही पानी होता है, मेंढक के टर्राने की आवाज़ आती है, आने लगती है, तालाब में बहुत पानी भर जाता है, और गलियों में कीचड़ होता है। तो इस तरीके से आपको प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देना है। अगले प्रश्न देखते हैं कौन सा पूछा गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रमांक 6, आप अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना पसंद करेंगे, तो उत्तर देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे, हम अपने बुजुर्गों का बहुत आदर करेंगे, उनके साथ कुछ समय बिताएंगे, उनके कार्यों में मदद करेंगे, और उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे ना, तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अभी तक हमने प्रश्न 5, प्रश्न 6 कंप्लीट कर लिया है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 है, अपने बारे में अपनी मातृभाषा में कोई 5 वाक्य लिखिए, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो एक बार प्रश्न आप जब पढ़ोगे ना, तो क्या ही अपनी मातृभाषा में, जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के हो, तो छत्तीसगढ़ में जो आपकी मातृभाषा होगी, जैसे हिंदी और भी जो भी होगी, तो उसमें आपको कोई 5 वाक्य लिखना है। जैसे लिख दीजिए कि मेरा नाम, या पहला वाक्य आप लिखोगे मेरा नाम, यहाँ पर नाम के बाद जो भी आपका नाम हो, ये मैंने खाली छोड़ दिया है, ठीक है। मैं, दूसरा लिखोगे मैं कक्षा, यहाँ पर आप कक्षा 8 कर रहे हो, तो कक्षा 8 में पढ़ता हूँ, अगर आप लड़की हो तो पढ़ती हूँ। ओके, तो इस तरीके से आपको हर एक वाक्य पर 1 अंक मिलेगा। तो आपको कितने वाक्य लिखने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको 5 वाक्य लिखने पड़ेंगे, तब आपको 5 अंक मिलेंगे। तो आप पहला तो कि मेरा नाम ये है, मैं कक्षा 5 पढ़ता हूँ, है ना, तो आप क्या करते हैं वो लिख दीजिए, है ना, और आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या, कौन सा लगता है, और सबसे कठिन कौन सा लगता है, तो ये आपको 5 लिख देना है, और इसे आप अपने हिसाब से भी कर लोगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न 8, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का।
तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सबसे पहले किसी कार्य के लिए रिश्वत नहीं देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। रिश्वत लेने वाले व्यक्ति की पुलिस में शिकायत की जानी चाहिए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर लिखोगे। अगला प्रश्न देखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 से आपसे क्या पूछ रहा है कि राकेश अपनी बहन व पिता के साथ बाजार गया। उन दोनों ने बाजार से बहुत सारी खरीदारी की, फिर वे वापस घर आ गए। तो इन वाक्यों में आज संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग करके लिखिए। तो मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया हुआ, उसको देख लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर देख पा रहे होगी। संज्ञा यहाँ पर राकेश है, नमिता और घर, इसके बाद है बाजार और बहन, सर्वनाम है उन, बे, अपनी। तो ये आपको सर्वनाम यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 की ओर। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 10। तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, है ना। तो ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन है। पहले इसके बाद आपके खंड बा में है, कक्षा 5 से रिलेटेड। तो चलिए पहले हम प्रश्न 10 का उत्तर आपको बता देते हैं। तो चलिए यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर देखोगे। तीर्थ स्थल, तो तीर्थ स्थल क्या होते हैं, जिन स्थानों पर देवी देवताओं के मंदिर होती हैं और समय समय पर वहाँ मेला लगता है। नवरात्रि, शिवरात्रि और होली के समय तब वहाँ भीड़ अधिक होती है। और पर्यटन क्या होता है, किसी प्राकृतिक नदी, पहाड़ आदि स्थल जहाँ लोग घूमने जाते हैं उसे पर्यटन स्थल कहते हैं। इसके बाद आपका खंड बा जो कि कक्षा 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं तभी आपको आंसर समझ में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए खंडवा जो कि कक्षा 5 से रिलेटेड है, प्रश्न क्रमांक 11 यहाँ पर देखोगे। देश की रक्षा कौन कौन करते हैं, तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर और प्रश्न क्रमांक 12 बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या क्या लिखना चाहिए, 2 अंक के लिए है। इनके उत्तर देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो प्रश्न क्रमांक 11, तो सैनिक और जनता रक्षा करती है। और 12 का उत्तर आपको लिखना है, आदर सूचक शब्द हो जाएंगे आप, महोदय, सम्माननीय आदि, और अभिवादन हो जाएगा प्रणाम, चरण स्पर्श आदि। तो इस तरीके से आप करोगे 11 और प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। इसके बाद 13 प्रश्न और इसके आगे के प्रश्न मैं पहले बता देता हूँ। चलिए अगले प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, तो इसका उत्तर देखते हैं। और इसका उत्तर देखने से पहले आप प्रश्न क्रमांक 14 को भी नोट डाउन कर लीजिए। आपकी माँ आपको किन कार्यों को रोक करने से रोकती है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 13 और 14 का आंसर नोट करिए। तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देख पा रहे हैं। पढ़ने के लिए सर्वप्रथम हम समय निर्धारित करते हैं, अपने दैनिक कार्यों के लिए समय का निर्धारण करते हैं, जैसे कि टीवी देखना, खेलना, घूमना, सोना आदि। अधिक से अधिक समय पढ़ने के लिए देते हैं परीक्षा के समय। ओके, चलिए वो प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है कि बच्चे अपनी समझ के अनुसार लिखें। तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि माँ आपको क्या करने से रोकती है, तो आप लिख सकते हैं कि माँ हमें अधिक टीवी देखने पर रोकती है, क्योंकि अधिक टीवी देखने से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं। ओके, इस तरीके से आप 14 का उत्तर करोगे। फिर इसके बाद आपके उत्तर खंड सा से लिए जाएंगे, जो कि इसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 15 पूछा गया है, आदि मानव कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। दूसरा है, बच्चों को पढ़ाई के साथ योग करना क्यों जरूरी है। तीसरा है, किन्हीं 3 औषधि पौधों के नाम लिखिए तथा किसी एक पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो इन तीनों प्रश्नों को पहले आप नोट कर लें। चलिए प्रश्न 15, प्रश्न क्रमांक 16 और प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर आपको नोट करवा देते हैं। यहाँ पर प्रश्न 15 का उत्तर देखें कि आदि मानव जंगलों में रहते थे, जानवरों का कच्चा मांस खाते थे। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देखें, बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ योग भी करना चाहिए, क्योंकि योग करने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है तथा एकाग्रता बढ़ती है। इसके बाद प्रश्न 17 देखिए, तो प्रश्न 17 का उत्तर आप यहाँ पर लिखोगे इस तरीके से, ये आपका जो 19 तारीख को आने वाला है उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये आपसे एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस तरीके का आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। इससे रिलेटेड आपने जो भी तैयारी की है वो आप बरकरार रखें। कृपया करके इसको एक बार जरूर पढ़ लें। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।